हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है प्राइवेटाइजेशन। राइट, तो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें, आप जब हमारे चैनल पे आए जो कि कॉमर्स की पाठशाला है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके जाना है। यहाँ पे आपको बीकॉम न्यू का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप न्यू कोर्स में एडमिटेड है तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिनको पढ़ करके, देख करके, सुन करके आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आप बात कर लेते हैं हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में। आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है लेना। आपको हमारे जस्ट इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, इग्नो बीकॉम न्यू में जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको लो कॉस्ट में नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, और साथ ही साथ आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है प्राइवेटाइजेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। देखो, नाम से पता चल रहा है प्राइवेट, है ना? तो प्राइवेटाइजेशन मतलब किसी चीज को प्राइवेट करना या प्राइवेट हाथों में सौंपना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब किसी को प्राइवेटाइज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट है, मतलब वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट अपने शेयर्स को, अपने जो उनका शेयर है उसको वो बेच रही है प्राइवेट कंपनीज को। अगर वो प्राइवेट कंपनीज उनके शेयर्स को खरीद लेती है, 51% से ज्यादा अगर उनकी कैपेसिटी हो जाती है, शेयर्स अगर उनके पास चले जाते हैं, तो इसका मतलब आप धीरे 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 कंपनी को जो है आप प्राइवेटाइज करने की तरफ आप आगे कदम बढ़ा चुके हो। पहले 25%, फिर 26%, 51% हो गया, फिर और 25%, इस तरीके से करके आप धीरे धीरे करके उस पूरी की पूरी कंपनी जो कि पब्लिक सेक्टर होती है, आप उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच देते हो। इसके बदले आपको काफी भारी भरकम पैसे भी मिलते हैं और समटाइम्स आपको रॉयल्टी भी मिलती रहती है। राइट, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। दूसरे टर्म में अगर बात बोलें, जो कि अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ है, कि जब मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी रिसोर्सेज है ना, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपके रिसोर्सेज हो गए, LLC, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, उनके ऊपर अधिकार अगर गवर्नमेंट का होगा तो उसे पब्लिक बोलेंगे, उसे हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे, और अगर उसका अधिकार किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में होगा, प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा, तो हम उसे बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन, है ना, उसे हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। सो द सेक्टर हैविंग इंडस्ट्रीज रन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई अगर ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज चला रही है, तो हम उसे कहेंगे पब्लिक सेक्टर। इफ द एंटरप्राइज और इंडस्ट्री इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। राइट, तो जब पब्लिक सेक्टर की कंपनी या फिर इंडस्ट्री को जब किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इट मे बी पार्शियल और कम्प्लीट। अब ये जो ट्रांसफर होता है इनका, ये हो सकता है कि ये एक तरीके से पार्शियल हो, मतलब आधा हो, या उससे भी कम हो, या कम्प्लीट हो, मतलब 100% आपने जो है शेयर बेच दिया, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। नाउ इफ द गवर्नमेंट सेल्स इट्स एसेट्स पार्टली टू अ प्राइवेट पार्टी, इट इज अ प्राइवेट पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। बट इफ ऑल द गवर्नमेंट हेल्ड एसेट्स आर ट्रांसफर टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इट इज कम्प्लीट प्राइवेटाइजेशन, है ना? तो यहाँ पे पार्शियली और कम्प्लीट के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट अगर अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा एक पब्लिक कंपनी के पास, 100% शेयर जो होते हैं उस कंपनी का, वो पब्लिक गवर्नमेंट के पास होती है, तो गवर्नमेंट अपने 100% में से अगर 20% या 30% अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनीज को बेचती है, तो हम उसे हम पार्शियल प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, उसको कम्प्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट जो है उस कंपनी का सारा शेयर 100% अगर वो अपना बेच देती है किसी प्राइवेट कंपनी को, तो हम उसे बोलेंगे कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हैज बीन गिवन इन द प्रीसीडिंग यूनिट। छोड़ो उसको, प्रीवियस यूनिट में दिया हुआ है, बताया जा रहा है, आप कौन जाकर उसको पढ़ेगा फिलहाल। तो आई होप कि आपको प्राइवेटाइजेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को करने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है ना? तो चलो फिर देखते हैं। सो प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस टू इनफ्लो ऑफ FDI, है ना? तो प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से अच्छा बेस प्रोवाइड करता है, ताकि बाहर से पैसे जो है इंडिया में इन्वेस्ट किए जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में हो सके। इसके लिए जो बेस तैयार करने का काम है वो हमारी कंपनीज करती हैं, हमारी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू इसको किया जाता है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जब बाहर की कंपनी आपके इंडिया में आपकी कंपनी से पैसे लगाएंगे तो डेफिनेटली वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी ताकि वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सके, राइट। जो काम आप 10 दिनों में कर रहे थे उसको वो 2 दिनों में करेगी, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर यहाँ पर होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। समटाइम्स गवर्नमेंट एक तरीके से जो पब्लिक यूनिट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी उनको समटाइम्स जो है प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे दी जाती है, राइट। तो ये चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो एफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करने के लिए उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। इनहेंसिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई कंपनी आपके साथ डायरेक्टली एक तरीके से लीड कर रही है और आपको पता है कि आपको वहां पे अगर अच्छे तरीके से काम करना है तो उसके लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और वो जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो जो है उनका ध्यान सिर्फ लोगों की भलाई के ऊपर होता है, ना कि अपने प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको कम्पीट करना होगा, अगर आपको कम्पीट करना है तो उसके लिए आपको अपनी जो इनहेंसिंग जो आपको कॉम्पिटिशन है उसको आपको बढ़ाना होगा। सो इनहेंसिंग कॉम्पिटिशन इज वन ऑफ द टॉपिक्स। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके जो प्रोडक्ट्स आप तैयार करते हो अपने प्राइवेटाइजेशन यूनिट्स में उनको आपको अपने प्रोडक्ट्स जो है अच्छे क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे। समटाइम्स होता है कि पब्लिक कंपनीज जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनाती तो उस केस में प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो फिर अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने लगती हैं। पुशिंग अप एक्सपोर्ट्स, तो ये जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है। सो ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है लोअरिंग ऑफ प्राइसेस ड्यू टू कंपटीशन। कंपटीशन के कारण जो है प्राइसेस को कब बहुत हद तक जो है गिरा दिया जाता है, ये भी प्राइवेटाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। हो क्या सकता है, होता है कि प्राइसेस को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। सम कंपनीज हैव बीन गिवन अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न ड्यू टू देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, है ना। तो बहुत सारी कंपनीज को एक्चुअली नवरत्न या फिर मिनी रत्न का जो है स्टेटस दिया जाता है, कैटेगरी उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि इससे पता चले कि उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है, वो कितना सामान जो है इंडिया के बाहर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहां पर मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।